हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड को स्क्रीन करने वाला हूं, इसलिए आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाया किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, दोनों एल्डर ने अपनी पावर की मदद से उस डीमन कैसल के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर निकलता है। लेकिन यहाँ पर डीमन लोगों की राजकुमारी आकर इस ट्रेजर को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जियान फैमिली का मेंबर आ गया होता है और उसे यहाँ पर वो ट्रेजर चाहिए था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक बंदे को जान से मार डालता है और वो यहाँ पर इस ट्रेजर को ले लेता है। लेकिन इसे यहाँ पर पता चलता है ये कोई पावरफुल ट्रेजर नहीं है, जिसकी वजह से वो इस ट्रेजर को इरफान को दे देता है। इसके बाद यहाँ पर ये मोटा आदमी भी आ जाता है और वो इस ट्रेजर को जब देखता है तब वो भी यहाँ पर इरफान को इस ट्रेजर को देकर चला जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी जगह पर खड़ा होता है और वो यहाँ पर उसी ट्रेजर के बारे में सोच रहा होता है जो उसकी बॉडी के अंदर में चला गया था। तभी हम लोगों को यहाँ पर इरफान के बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। इसके बाद इरफान हम लोगों को इस ट्रेजर के बारे में बता रहा होता है। इस ट्रेजर के बारे में हम लोगों को एल्डर वू ने बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह ट्रेजर मुझे मिल जाएगा इतनी आसानी से। यह ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस ट्रेजर में यहाँ पर हम लोगों को कुछ शब्द भी लिखे हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पर इरफान ये सब बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर ये मोटा आदमी फिर से आ जाता है और वो इरफान के सामने आकर लैंड करता है। इस मोटे आदमी को अपने सामने देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इस मोटे आदमी से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर ये मोटा आदमी बोलता है, मैंने थोड़ी देर आगे जो जेट का टुकड़ा तुम्हें दिया था, वो जेट का टुकड़ा क्या तुम यहाँ पर मुझे दे सकते हो? जिस पर यहाँ पर इरफान बोलता है, इस जेट के टुकड़े को तो तुमने खुद अपने हाथों से बिक दिया था, फिर तुम यहाँ पर अब क्यों आए हो? जिस पर ये मोटा आदमी अपने हाथों को ही मार रहा होता है, क्योंकि इस मोटे आदमी ने यहाँ पर इस जेट टुकड़े को फेंक दिया होता है और इसकी पावर के बारे में अब इसे पता चल गया है। यहाँ पर ये आदमी ऐसे हरकतें कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरफान भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। इसके बाद ये मोटा आदमी इरफान से बोलता है, क्या तुम्हें पता है इस जेट के टुकड़े को मैंने कहाँ फेंका था? जिस पर यहाँ पर इरफान बोलता है, तुमने इस रिवर में उस जेट के टुकड़े को फेंक दिया होता है। इस बात को यहाँ पर सुनने के बाद इस मोटा आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह दौड़ के उस रिवर के पास जाता है और उस ट्रेजर को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। जब वो ट्रेजर इस रिवर में उसे मिलता है, तब वो अपने यहाँ पर स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है और वो यहाँ पर इरफान के बॉडी को स्कैन करने लगता है, क्योंकि उसे शक था कि वो ट्रेजर अभी भी इरफान के पास है, लेकिन यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर इरफान भी इस मोटे आदमी के चाल को समझ जाता है और वो यहाँ पर गॉड से प्रे कर रहा होता है कि इस ट्रेजर के बारे में इसे कुछ भी पता नहीं चले। तभी यह मोटा आदमी यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है और वो बोल रहा होता है, मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। और वो यहाँ पर यह बोलने के बाद बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है और हम देखते हैं इसके रोने की वजह से आसमान से यहाँ पर थंडर गिर रहे होते हैं। इसके बाद इरफान यहाँ पर इस मोटा आदमी से पूछता है, क्या वो ट्रेजर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था? जिस पर यहाँ पर ये मोटा आदमी इरफान को बोलता है, क्या बोला तुमने, वो ट्रेजर पावरफुल था? वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर था। उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए भी वो दोनों एल्डर भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कॉपर का टुकड़ा मुझे मिला था, लेकिन मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली और उस ट्रेजर को उस रिवर में फेंक दिया। और वो मोटा आदमी यहाँ पर इरफान से यह भी बोलता है, अगर तुमने उस ट्रेजर के लाइन को ध्यान से देखा होता तो तुम्हें उसकी पावर का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि उसके पावर का अंदाजा आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है कि वह ट्रेजर कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर यह मोटा आदमी यह बोलने के साथ वह तेजी से भागने लगता है और वह उस रिवर में छलांग लगा देता है, जहाँ पर वह ट्रेजर होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वह ट्रेजर इरफान के बॉडी के अंदर है। इस मोटे आदमी के चले जाने के बाद यहाँ पर इरफान को एल्डर जियांग की कुछ बातें याद आती है, जहाँ पर एल्डर जियांग ने बोला था, इस दुनिया में 5 सबसे बेस्ट ट्रेजर है जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये 5 ट्रेजर किसी इंसान के पास आ जाए तो वह इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इस वर्ल्ड में यहाँ पर इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। इस बात को यहाँ पर इरफान याद कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इनमें से एक ट्रेजर तो इरफान के पास आ गया है। इरफान यहाँ पर ये सब बड़बड़ा ही रहा होता है, तभी ये मोटा आदमी वापस से उस रिवर से आ जाता है और वो यहाँ पर आने के साथ इरफान को बोलने लगता है, यहाँ से जल्दी भागो, क्योंकि इस रिवर में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर यहाँ पर इरफान इस मोटे आदमी को बोलता है, कैसा बीस्ट है? जिस पर ये मोटा आदमी बोलता है, उस डीमन ने अपने आप को बहुत ही दिनों से छुपा कर रखा था, क्योंकि वह इंजान की पावर को यूज कर रहा होता है जो कि यहाँ पर उसे इस ज्वालामुखी से मिल रहा होता है, लेकिन इस ज्वालामुखी के विस्फोट होने की वजह से अब उसे वो पावर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अब बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। जिस पर यहाँ पर इरफान उस मोटे आदमी से पूछता है, क्या ये बात सच है, इस पानी के अंदर एक दुनिया हो सकती है? जिस पर यहाँ पर वो मोटा आदमी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? और वह यह बोलकर यहाँ पर एक पत्थर के टुकड़े को इस रिवर में फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस रिवर में एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और उस टोर्नेडो के अंदर से यहाँ पर वो डीमन बीस्ट बाहर आ जाता है, जिसे यहाँ पर ये दोनों देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक
होते हैं। यहाँ पर ये बीस्ट आने के साथ ही इरफान और उस मोटे आदमी को पीछे कर देता है और यहाँ पर इस बीस्ट के तीन सिर होते हैं। इस बीस्ट को यहाँ पर देखकर ये मोटा आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह धीरे धीरे कर पीछे हो रहा और वो इरफान को भी बोलता है यहाँ से जल्दी भागो। लेकिन ये मॉन्स्टर यहाँ पर एक रोर करता है जिसकी वजह से ये दोनों पीछे आकर गिरते हैं। लेकिन ये मोटा आदमी अपने आप को और इरफान को टाइम रहते ही बचा लेता है और वो इस अटैक से बचने के लिए अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर ये मोटे आदमी ने जिस शील्ड को बनाया था इस शील्ड ने यहाँ पर इन लोगों को सुरक्षित रखा था। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोगों को इरफान की बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी स्पिरिचुअल पावर गायब हो रही थी, जिस पर यहाँ पर ये मोटा आदमी बोलता है इस बीस्ट की यहाँ पर पावर ही यही है कि हम लोगों की वो स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर ये मोटा आदमी ये सब इरफान को बोल ही रहा होता है तभी ये बीस्ट यहाँ पर एक जोर से रोर करता है जिसकी वजह से उस मोटे आदमी का सील भी यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है और ये दोनों यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बीस्ट इन लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और उन लोगों के सामने जंप लगा देता है जिसकी वजह से इन दोनों यहाँ पर आसमान में उड़ जाते हैं और वो बीस्ट यहाँ पर इरफान को खाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर वो मोटा आदमी इरफान को बचा लेता है और ये मोटा आदमी यहाँ पर नीचे आने के साथ ही अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इस बीस्ट की एक सिर पर एक सील क्रिएट हो जाती है। इसके बाद यह मोटा आदमी यहाँ पर इरफान को समझाने लगता है मेरा यह स्पेल यहाँ पर इस मंकी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, इसलिए यहाँ पर जल्दी से चलो हम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर इस बीस्ट के और एक पावर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने दूसरे सर से यहाँ पर एक थंडर की पावर से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है जिससे यहाँ पर इरफान लात मारकर मोटे आदमी और खुद को बचाता है। यहाँ पर इरफान इतने ज्यादा घूमने की वजह से बहुत ही ज्यादा इसका सिर घूम रहा होता है जिसकी वजह से वो बोलता है मेरे पिछले जिंदगी में मैंने इतने सारे झूले को झूला है लेकिन मुझे इतना ज्यादा चक्कर कभी भी नहीं आया था जितना आज आया है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उस बीस्ट को यहाँ पर जो कि यहाँ पर उस सील को तोड़ देता है जिससे इस मोटे आदमी ने बनाया था जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये बीस्ट अपनी पूरी पावर को यूज कर पाता है और वो यहाँ पर अपने तीनों सिर से अपने लाइटनिंग थंडर अटैक को इन दोनों के ऊपर कर देता है जिससे यहाँ पर ये दोनों बाल बाल बचते हैं और ये लोग यहाँ पर इस अटैक को डॉच कर ही रहे होते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं हम लोगों को यहाँ पर किसी तरह करके इस अटैक को खत्म करना होगा नहीं तो इस अटैक के चपेट में हम लोगों की जान चली जाएगी। तभी हम लोगों को यहाँ पर उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर ये झटका लग जाता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इरफान किसी तरह करके इस अटैक को डॉच कर रहा होता है। इसके बाद इरफान और यह मोटा आदमी एक जगह पर आ जाते हैं और एक सील बनाकर यह मोटा आदमी दोनों को प्रोटेक्ट करने लगता है। इस अटैक को देखकर यहाँ पर इरफान इस मोटे आदमी से पूछता है यह मॉन्स्टर जो अटैक कर रहा है वह इतना ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं है, जिस पर यह मोटा आदमी बोलता है यह मॉन्स्टर अभी अपने अटैक को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से इसका अटैक यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और यह बोलने के बाद वह मोटा आदमी अपने ग्रीन स्वॉर्ड से इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने ही वाला होता है तभी उसका ग्रीन स्वॉर्ड एक जगह पर गिर जाता है। इस चीज को यहाँ पर इरफान भी देख लेता है और वह इस स्वॉर्ड को यहाँ पर उठा लेता है और इरफान के दिमाग में एक आइडिया आता है जिसकी वजह से वह यहाँ पर उस बीस्ट के पीछे चला जाता है और इस स्वॉर्ड से यहाँ पर उस बीस्ट के सिर पर अटैक करता है जिसकी वजह से यह बीस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोर कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर इरफान का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यह बीस्ट बहुत ही ज्यादा पेन में होता है। और यहाँ पर फाइनली इरफान ने अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को करकर इस बीस्ट को मार दिया होता है जिसकी वजह से वह बीस्ट यहाँ पर अपने बैलेंस को खो देता है और वह दोबारा से उसी रिवर में गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पर यह मोटा आदमी और इरफान एक जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर यह मोटा आदमी इस स्वॉर्ड को वापस से इरफान के हाथों से ले लेता है और उसे रख लेता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द लाया जाएगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।